लाहौर पुलिस जराइम रोकने में नाकाम है। शहर में छोटू गैंग सर उठाने लगा है। गुलशन रावी में छोटू गैंग की ओवरसीज शहरी अयूब के घर पर फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज और मुलजमान की तस्वीर लाहौर न्यूज को मौसूल हो गई है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अरसलान हैदर से। अरसलान, आगाह की जगह फुटेज भी सामने आ चुकी है और मुलजमान की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, तो क्या पुलिस की जानिब से अभी तक कोई कार्रवाई की गई? जी देखें, शहर में छोटू गैंग जो है वो जन्म लेने लगे हैं और पुलिस मुलजमान को पकड़ने में जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है कि गुलशन आबी के इलाका में छोटू गैंग की जानिब से ओवरसीज शहरी अयूब के घर पर फायरिंग की गई और फायरिंग की सीसीटीवी और फुटेज जो और इसके साथ साथ मुलजमान की जो तस्वीर है वो भी मंजर यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन पुलिस की जानिब से वाकये का मुकदमा तो शहरी अयूब के जो बेटा है अहमद अयूब, उसकी मदयत में नामजद मुलजमान के खिलाफ दर्ज किया गया है। लेकिन पुलिस अभी तक फुटेज और सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद मुलजमान को पकड़ने में नाकाम है। जो एफआईआर के मुताबिक छोटू गैंग के अरकान और मुतासर शहरी में कुछ रोज कबल लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसके बाद सुलह हो गई थी। सुलह के बाद मुलजमान ने ओवरसीज पाकिस्तानी के घर पर फायरिंग की और उसके बाद गुज़िश्ता रोज दूसरी बार जो है ये फायरिंग का वाकया पेश आया जिसकी जो फुटेज है वो मंजर यहाँ पर आई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि ये चार जो मुलजमान है जिनके जो नाम है हंजला और इसके साथ साथ फरहान बताए जा रहे हैं, ये इन दोनों उन्हें जो है वो फायरिंग की और फुटेज में देखा भी जा सकता है कि किस तरह बिना किसी खौफ के असला लहराते हुए वो घर के बाहर खड़े होते हैं और उसके बाद फायरिंग करके मौका से फरार हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलाका में भी खौफ और राज फैल जाता है। किसी किस्म का कुछ जानी नुकसान तो नहीं होता, लेकिन पुलिस की जानिब से रवायती तरीका अख्तियार किया गया है मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए। ताहाल कोई इकदाम अभी तक नहीं किए जा रहे। मुलजमान जो है वो इसी तरह दनदनाते फिर रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पर वारदातें और फायरिंग के वाकयात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस मुलजमान को पकड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। जी शुक्रिया अरसलान हैदर।